मैं सुबह सुबह आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। आ गई चाय, मैं और मेरी फ्रेंड चाय पियेंगे। नाश्ता जब तक सो के उठेंगे, मैं नाश्ता वास्ता सब बना के तैयार कर लूंगी, फिर हम खाएंगे। यहाँ मेरे पराठे हो गए बन के तैयार। तो आज का काम ज्यादा है और ए भी मेरी हेल्प कराएगा। ए भी बच्चों को मैं खाना वाना दे चुकी हूँ सारा की सारा, और अब मैं लगूंगी काम पे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है मेरे पास। तो अभी मैंने खाना वाना खा के थोड़ा सा आराम करा है, मगर पहले थोड़ा आराम कर लूँ। तो आराम तो हो गया, अब दूसरा काम स्टार्ट हो रहा है मेरा। मैंने बेड खोल दिया है और ये मेरे बेड में मैंने बैग में भर के रखे हुए थे गर्मियों के कपड़े। इसमें असल में गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के निकाल रखे थे। अब जब गर्मी आ रही है तो सर्दी के इसमें डाल दूंगी और गर्मियों के बाहर निकालूंगी। इस बैग में मैंने बेडशीट वगैरह, कवर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। इस बेड में पहनने के कपड़े, इसमें शादी के पर्पस के कपड़े हैं, जो पार्टी वेयर कपड़े हैं इसके अंदर हैं, तो सारे बैग बना के रखे हुए हैं। दूसरी साइड भी है, तो ज़्यादा आफत नहीं आती है मेरे को। जब मैं इनको निकालती हूँ तो आराम से हो जाता है, और एक भी कपड़ा गंदा नहीं होता। जैसे मिट्टी विट्टी होती है ना, गर्मियों के निकाल के सर्दियों के इसमें डाल दूंगी, चेन ला के रख दूंगी। मेरा काम हो गया ख़त्म, चलो स्टार्ट करते हैं। सारे बैग ना एक साथ नहीं निकाल रही हूँ, एक एक करके निकाल रही हूँ। पहले ये अलग बैग निकाला, अब इसमें देखती हूँ इसमें क्या क्या है। अभी भी देखो सर्दी के कपड़े इसमें रखे हुए हैं, मैंने आधे रख दिए थे ना। ये चादर भी है इसमें, आधी चादर उसके अंदर आधी इसके अंदर है। अब निकालती देखती हूँ क्या क्या काम का क्या क्या नहीं। कुछ चीज़ तो ऐसी है जो मैंने एक बार भी यूज़ नहीं करी। ये ब्लाउज लेकर आई थी यहाँ से 4 साल पहले, ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। एक बैग मेरा पूरा भर चुका है, इसमें सारे सर्दियों के कपड़े हैं, और वो टेबल खाली हो गई है। अब ये वाला बैग निकाला है मैंने अंदर से, पहले इसको अंदर डालूंगी, पहले इसको ये अंदर डालेगा, और ये अब इसको खोलेंगे इसके अंदर क्या है। ठीक है अभी इसको मिल गया खेल। चलो चलो हेल्प कराओ, आ मेरे बच्चे आ गए प्यारे प्यारे से। चलो देखती हूँ कितनी ताकत है, इस बैग को उठा के अंदर डाल दो। आज दोनों की ताकत देखी जाएगी किसमें कितना है दम। ओ माई गॉड मिस्टी गई है, ओह मैं ऐसे कर ही नहीं पाएगी। एक एक तो उठाएगा, एक उठाएगा बेटा, बहुत भारी है ये। और अपना वजन देख एक बार, ऐसे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मैं करती बेटा मैं करती। अरे नहीं ना छोड़ू ना मिस्टी, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। ये मिस्टी ने उठा लिया बैग, और ये मिस्टी ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई, और नीचे ये तो सूट तस्तमस नहीं कर पा रही, रहन दे कमर टूट जाएगी, हट। चलो खिसका दिया, आ जाओ तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ये अब जो बैग सर्दी के हैं वो साइड जाएंगे, गर्मियों वाले इसमें आधे यहाँ पे आधे कैबिनेट में। मेरी शर्ट्स सारी हैं, अब निकलेगी मिस्टी की शर्ट। मैं पूरी गर्मी में शर्ट्स पहनूंगा। नई नई शर्ट लाई थी, पहनी भी नहीं थी, इससे सर्दी आ गई थी। बहुत सारी हैं, 10-15 होंगी ज़्यादा ही है। ये देखो इसकी जान देखो, बस रहने दे मिस्टी रहने दे। मेरी बारी है, मेरी जान की पैर मार रही हूं इसे। नहीं पैर नहीं मारा बेटा मैंने, अब ये भी करेगा, दोनों में से कोई भी नहीं कर पा रहा। रहने दे भी, अरे दो मिनट रुक जाओ पक्का। मेरा जॉनसना माय गॉड में गई। ये देखो ए भी अपना, ए भी दिखा रहा है अपनी ताकत, कछो पर करा पहले इसने अपना, और ये अपनी ताकत दिखा रहा है। अब इसको ये बैग को ये डाली अब पीछे, और ये भी इसको नहीं उठा पाया, और ये भी और ए भी यहाँ पर हो गया है टाई टाई फिश। उठाने तो दो से ये कोशिश इसकी नाकाम नहीं होगी, एक बार और कोशिश करो। और मैं बैठ जाती हूँ जब तक इस बैग के ऊपर, इस ये मेरा ये बैठ गई मैं इसके ऊपर। यस 10 तक काउंटिंग करूंगी। रहने दे भी बहुत भारी है, तू ही गिर जाएगा। हाँ दोनों मिलके तो शायद कर लो ये। ओ वाओ कर दिया दोनों ने, कर दिया शाबाश मेरे। ओ ओ लग गई बहुत तेज लग गई है अभी को। आ जा मेरे बच्चा, चला जा। ये पापा ने रख दिया कॉर्नर पे, अभी दोनों रहते हैं। अभी अभी वाले कपड़े देखती हूँ इसमें क्या है। इसमें भी सर्दी के कपड़े हैं, कुछ पार्टी वियर है, देखूं निकाल के क्या क्या है इसके अंदर। ये थोड़े से पार्टी वियर है इसमें, चलो इसको निकालते हैं, पहले निकाल दो फिर देखते हैं। हाँ इसमें मेरी साड़ियाँ हैं जो मैंने आज तक कभी पहनी नहीं है, बस पैकिंग करके रखी हुई है, सारी पैक है, कुछ नहीं पहना कुछ नहीं पहना। ठीक है शर्ट है प्यारी सी, इसको
जो मेरे को इसको फेंकने का मन नहीं करता, क्योंकि ये इसकी बचपन की है, स्कूल की ड्रेस है इसकी, है ये तो मैं जब भी आ जाएगी। हाँ, फिफ्थ वाली इसकी अभी भी आ रही है। ये बैग कर लिए मैंने खाली, दोबारा डालूंगी कपड़े। अब डालती इसमें कपड़े जो ये पड़े हुए हैं सर्दी के, और देखो और इसमें छांटूंगी अभी कौन कौन से है। ये क्या निकाला? शर्ट। ये वही वाली शर्ट, शर्ट का बड़ा शौक है। तो यहाँ पर अभी मम्मी जी ने अपना सारा का सारा जो है वो कर दिया, और यहाँ पर जो कपड़े हम अभी पहनेंगे वो रख दिया ना। अब मैंने फिर दोबारा सेट कर दिया है, उसमें चादर है, सर्दियों के कपड़े हैं उसमें चादर है, ये गर्मियों के कपड़े अगर कैबिनेट या अलमारी में नहीं आते तो एक बैग में उभर के रखें। लेकिन अभी भी देखो पूरा घर फैला हुआ है, ये सब मुझे साफ करना है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इनमें से मेरे कोई भी नहीं है, दो तो मिस्टी दीदी है और दो पापा और मम्मी है, मेरे उसमें से एक भी नहीं। बेचारा गरीब है, भी गरीब नहीं हूं मैं, मेरे कपड़े आप लाते नहीं, मिस्टी दीदी के ही भर दे दो ला ला के। ये भी कपड़ा आते नहीं है, नंगा रहता, नंगा देखो खुद ही नंगा हुई हुई, कपड़ा ही नहीं है इसके पास, है ना मिस्टी? और क्या कपड़े नहीं है इसके पास, बेचारा। ये आटा भी आ चुका है, ये भी मैंने अभी सेट नहीं करा है, मतलब डाला नहीं है उसमें। A few moments later. शाम हो गई है, सारा काम मेरा खत्म हो चुका है, सर्दियों के कपड़े मैं रख चुकी हूँ अंदर, अब गर्मियों के कपड़े निकाले हैं मैंने सारे, इतना सारा काम था, बहुत थक गई हूँ तो। और ये मैंने बनाया है शाम का खाना, आलू पालक की सब्जी, साथ में बनाए हैं मैंने पालक के पराठे, क्यों मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को पालक आज पालक के पराठे भी खिलाऊं। तो ये बिना तो फर्स्ट टाइम खाए थे, क्योंकि ज़्यादातर मेथी वगैरह के ही खाता है वो, तो उसको बहुत पसंद आया। ये हमारे लिए है रोटी और बच्चों के लिए पराठे, और ये बनाए आलू पालक, थोड़े से ब्रेड भी लगाए, दो दिन खा चुके हैं वो, अब उसको और मन करा खाने का तो ये भी देकर आ रही हूँ उसको। रात का खाना हो गया, यही डिनर है इनका, आलू पालक की सब्जी, पराठे और अंडा ब्रेड। ले भी बैठ के खाते बेटा खाना हमेशा, कैसे खाता है ये। काम मेरा सारा ख़त्म हो गया, और इतना ना टाइम लग गया मुझे काम करते करते, रात के 11:30 हो रहे हैं। मेरा पूरा घर साफ, ये देखो, और इसको मिल गए गर्मी के कपड़े तो इसने उसे उतार दिया, अब इसे इतनी गर्मी लग गई तो कह रहा मम्मी ये पहनूंगा, चल पहन ले कोई बात है, मैं निकाले ही है वैसे तो। अब मैंने पूरा की पूरा सेट कर दिया है, सारे सामान उठा के रखा है, इसके नीचे भी सामान मैंने सही सेट करा है, ये डॉगी यहीं बैठा हुआ है, इसे सर्दी गर्मी में इसको यहीं रहना है, मतलब देख लो पूरा की पूरा कितना गंदा लग रहा था ना, ये साफ कर दिया। लेकिन उसमें ना मिस्टी ने भी बहुत क्या बात हो रही है भाई, कुछ नहीं कुछ तो पता नहीं क्या बातें कर रही है। चलना। इन दोनों ने मेरी बहुत हेल्प करी है दोनों ने। अब देखो ये हो गया, पर्दे वर्दे मैंने लगा रखे हैं, अभी बस कपड़े रह गए धोने को। ये देखो साफ सुथरा, चादर भी मैंने नहीं लगा दी, काम में इतना टाइम लग गया ना मेरे को, आज मैंने खाना भी नहीं खाया, अभी तक नहीं खाया मैंने खाना, अब मैं खाऊंगी, क्योंकि वैसे तो रोटी वोटी सब बना के रखी थी लेकिन खाना वाना नहीं खाया था, तो अब खाऊंगी। और ये ना गिर गया था इसके अंदर, जब डाल रहा था ना लग गई थी इसके, लेकिन कह रहा नहीं मम्मी मैं मर दूं, मर्द को दर्द नहीं होता, अगर मर्द को दर्द ना होना तो मर्द ही नहीं है, दर्द सबको होता है, साइंस बेटा साइंस। ज्यादा तेज नहीं लगी थी, बच गया, ये तो सर पे लगती है, इसके सर पे नहीं लगी, सोच बच गया। नींद आ रही है मम्मी बहुत तेज काम करते, अब इसको नींद आ रही है बहुत तेज, और काम करते करते मैं भी थक गई हूँ, आंखें तो लग रही होगी मेरी थकान से बहुत ज्यादा हो रही है, भूख भी लग रही है और नींद भी आ रही है। तो आज का ब्लॉग बस यही तक ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे ब्लॉग ठीक है, हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।